आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी एक शिक्षक के उल्लेखनीय कार्य से, तो आइए कार्यक्रम के अंत में भी एक शिक्षक के अथक मेहनत को करते हैं सलाम। आपको लिए चलते हैं बालोद जिले, जहां पर एक शिक्षक के अथक प्रयासों से, मेहनत से बच्चे एक बार फिर स्कूल की तरफ लौट रहे हैं। जी हां, ये शिक्षक ने अपने पूरे घर को ही एक पाठशाला का रूप दे दिया है और बच्चों को कंप्यूटर और कोडिंग जैसी गुर वो सिखा रहे हैं। शिक्षा के अंधकार को दूर करने तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस बात को चरितार्थ करने में लगे हैं बालोद जिले के ग्राम चित्तौड़ में रहने वाले शिक्षक ईश्वरी कुमार सिन्हा। उन्होंने अपने घर को ही एक पाठशाला का रूप दे दिया है। ग्राम चित्तौड़ के शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षक के तौर पर कार्यरत ईश्वरी कुमार ने गाँव के गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। वे बच्चों को स्कूली शिक्षा के अलावा उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करते हैं, साथ ही वे बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के लिए भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। खास बात यह है कि वे बच्चों से इसके लिए कोई फीस नहीं लेते। गणित में हमने गहराई तक पहुंचा है, बहुत सी चीजों को जाना, सीधा पाड़ा उल्टा पाड़ा, तो हम एक प्रकार से हम अपने मस्तिष्क से खेल रहे हैं और उसकी क्षमता को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इस काम में ईश्वरी कुमार अक्सर अपना लगभग आधा वेतन बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ही खर्च कर देते हैं। पढ़ाई को रोचक व आसान बनाने तथा बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए वे विभिन्न तरह के उपायों का भी प्रयोग करते हैं। शिक्षा के प्रति उनकी लगन व योगदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्योंकि मैं उस साधारण गरीबी माहौल से, गांव से निकला हूं और जो गरीबी हमने देखी उस स्थिति में शिक्षा के मायने जो आज मैंने निकलने के बाद जो पाए हैं उसको मैं पूरी तरह से आज अपने विद्यार्थियों को पूरी करने के लिए अपने ही घर को स्कूल बनाया है। स्कूल बनाने के पीछे कारण है कि विद्यालय पे हमारे पास बहुत सारे अनुशासन और वो चीजें रहती हैं जो घरेलू वातावरण पे हम नहीं दे पाते हैं। घर को विद्यालय बनाने के कारण आज बच्चों में भय का वातावरण कम हुआ और इसके कारण बहुत सारे बच्चे तेजी से तकनीकी जैसे विषयों और बहुत सारे अनुशासनात्मक और वृहद ज्ञानों पे आगे बढ़ चुके हैं। ईश्वरी सिन्हा खुद गरीबी में पले बढ़े हैं और शिक्षा के महत्व को जानते हैं, इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। बच्चों को पठन के लिए सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने घर पर ही एक लाइब्रेरी बना दी है जहाँ बच्चों की जरूरत के सभी किताबें मौजूद हैं। उनकी पढ़ाई से प्रभावित होकर निजी विद्यालयों के अनेक बच्चों ने शासकीय स्कूल में दाखिला लिया है। बच्चे किताबों के साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग व कोडिंग आदि का ज्ञान भी अर्जित कर पा रहे हैं और उन्हें काफी लाभ हो रहा है। मैं हिंदी टाइपिंग सीखी, पीपीटी बनाना सीखी, अभी एक्सेल फाइल में काम कर रही हूँ। हम लोगों ने इंग्लिश स्पोकन, हिंदी टाइपिंग, साथ साथ इसमें चित्र डालना और गूगल से कैसे चित्र लगाना उसको भी सीखा। ईश्वरी कुमार सिन्हा का बच्चों के लिए शिक्षण के प्रति ये समर्पण निसंदेह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ज्ञान की रोशनी में हंसते मुस्कुराते ये छात्र एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट।